पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए इस टाइम बहुत सारे लोग जो कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं और वो डिसीजन नहीं कर पा रहे, जिस तरह हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट तो करना चाह रहे हैं लेकिन ड्यू टू करंट सिचुएशंस की वजह से वो डिसीजन नहीं कर पा रहे। उनके लिए आज हम एक ऐसी वीडियो डिटेल वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आपको टोटली गाइड किया जाएगा कि आप मिनिमम अमाउंट के साथ किस किस जगह के अंदर और कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वाजिद अली फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एज यू नो, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से है आपको डेली बेसिस पर डिफरेंट रेजिडेंशियल्स और डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट्स की डिटेल शेयर की जाती है। इसी तरह आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लो बजट इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर आप किन किन सोसाइटीज़ के अंदर अपनी लो बजट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर आप मिनिमम एसेट्स के साथ मिनिमम अमाउंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर करवा सकते हैं। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें कि इस्लामाबाद की कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं या इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए इस्लामाबाद मेन सिटीज़ को नियरली जो अप्रोचेस करते हैं जो नियरली अप्रोच करते हैं एरिया, वो कौन कौन से हैं और कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ है जिसमें आप अपने लो बजट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेन फतेहजंग रोड के ऊपर रहते हुए हमारे पास कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह ये फैसल टाउन है। फैसल टाउन अब टोटली मैच्योर हो चुका हुआ है। इसके अंदर जो लोग ऑन ग्राउंड या पोजेशन वाले प्लॉट लेना चाह रहे हैं उनको भी इसमें आप जो प्लॉट है वो आप ले सकते हैं। इसमें जो लो इनकम के साथ आप प्लॉट ले सकते हैं उसमें आपको 75 लाख से लेके 1 करोड़ के प्लस माइनस में 5 में लेकर जो प्लॉट है फैसल टाउन के अंदर रहते हुए आप कैश के ऊपर ले सकते हैं। फैसल टाउन से अगर थोड़ा सा बाहर आएँ तो मेन जो फतेहजंग रोड है, फतेहजंग रोड के ऊपर हमारे पास कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनमें मुमताज़ सिटी है, टॉप सिटी है, द लाइफ रेजिडेंशी है। मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कैश के ऊपर जो प्लॉट है मिनिमम 65 लाख से लेके 1 करोड़ के प्लस माइनस में आप यहाँ पर प्लॉट जो कैश के ऊपर ले सकते हैं। इसी तरह सेम स्नैगी जो मुमताज़ सिटी है, मुमताज़ सिटी में भी आपको 65-70 की बजट से लेके 1 करोड़ के प्लस माइनस में आपको 5 महीने का प्लॉट है कैश के ऊपर मिल जाते हैं। अगर हम फतेहजंग रोड के ऊपर रहते हुए इंस्टॉलमेंट की कैटेगरी को डिस्कस करते चलें तो इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको द लाइफ रेजिडेंशिया, एक वेल नोन हाउसिंग सोसाइटी है, वेल नोन डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है। इसमें आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे मुख्यान के ऊपर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 किनाल की कैटेगरी मिल जाती है। इसमें जो 5 मरला की मिनिमम बुकिंग है वो आप 4,20,000 से करवा सकते हैं और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 18 लाख समथिंग है। अगर हम इस्लामाबाद की जो फतेहजंग रोड है इस पोश एरिया से थोड़ा सा बाहर निकलें, जिस तरह हमारे पास चक्री रोड है, चक्री इंटरचेंज है या मेन इस्लामाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिस जगह पे हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को बात डिस्कस करते चले तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इस टाइम जो करंट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं उन लोगों के लिए जो लोग अब हबीब रफीक डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उनको इंस्टॉलमेंट के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका है, वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। मैं उन लोगों को गाइड करूंगा जिन लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसको सेल करना चाह रहे हैं या जिन लोगों ने 1 से 1.5 साल या 2 साल तक वेट किया लेकिन रेट अच्छे या स्टेबल ना होने की वजह से या बेहतर ना होने की वजह से वो सेल करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को मेरी एक मेस्टली एडवाइज़ है कि वो अभी इसको मज़ीद होल्ड करें। फर्दर जिस तरह हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है तो इंशाल्लाह इसके जो रेट हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। अभी हम अगर डिस्कस करें चक्री रोड के ऊपर रहते हुए हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की है। अगर मैं डिस्कस करता चलूँ तो ये फैसल टाउन फेज़ 2 की मैं बात कर रहा हूँ। फैसल टाउन फेज़ 2 में 5 मरला और 8 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 14 मरला और इसी तरह 1 किनाल तक की कैटेगरी की इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो लोग अभी भी करना चाह रहे हैं उनको बुकिंग वैसे तो क्लोज हो चुकी हुई है लेकिन अवेलेबिलिटी जो है वो एक रेयर चांसेस के साथ मिल जाती है। इसी तरह इसी की सराउंडिंग में रहते हुए एयरपोर्ट के ईजी एक्सेस के साथ
रिंग रोड की इजी एक्सेस के साथ आपको मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 की एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली होगी। इसमें भी अभी करंटली बुकिंग अवेलेबल है। जो लोग इसमें भी बुकिंग करना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी मैं होनेस्टली एडवाइस करूँगा कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कर लें, क्योंकि ये जो डेवलपर्स हैं या ये जो सोसाइटीज़ हैं ये 100% ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं। 100% आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट इन करके आने वाले टाइम में इसको मैच्योर कर सकते हैं। अगर हम अब चक्री रोड के ऊपर रहते हुए या इंटरचेंज के ऊपर रहते हुए लो बजट सोसाइटीज़ को डिस्कस करते चलें, जिनमें हमारे पास बहुत ही वेल नोन हाउसिंग सोसाइटीज़ किंगडम वैली आ जाती है, इसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी आ जाती है, इसके बाद प्राइम वैली आ जाती है। इनको अगर डिस्कस करें तो किंगडम वैली और ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर हिस्ट्री को डिस्कस करते चलें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, ऑलमोस्ट हमारे पास 80% 70% जो पाकिस्तानीज हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए एक प्योर प्लान किया हुआ है कि वो आने वाला टाइम में अपने बच्चों के लिए एक एसेट बनाना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर्टी उनके नाम पे रखना चाह रहे हैं, उन लोगों ने एक समझदारी के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अभी करंटली आपको अनाउंसमेंट मिली होगी कि 15 नवंबर को इसकी जो ओल्ड बुकिंग है या जो इनकी बुकिंग जनरल ब्लॉक की है, ओवरसीज ब्लॉक की है और इस तरह जो वाटरफ्रंट ब्लॉक है इनकी बुकिंग क्लोज हुई है। लेकिन अभी जो सिर्फ वाटरफ्रंट ब्लॉक है उसको मैं अगर डिस्कस करता चलूँ तो इसकी जो 6 मरला की टोटल बुकिंग, इसकी जो 6 मरला की टोटल प्राइस है उसके ऊपर रहते हुए 175,000 के साथ आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये इसका अभी करंट जो पेमेंट प्लान चल रहा है ये वही ओल्ड पेमेंट प्लान है जो डे फर्स्ट से इन्होंने अनाउंस किया था। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री को, डेवलपमेंट का एक बहुत ही शानदार इन्होंने प्रोग्रेस की हुई है। यहाँ पर हॉस्कोप पार्क जो है वो बन रहे हैं, इसी तरह इसमें ब्लू मॉस्क पार्क, ब्लू मॉस्क जो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर रहते हुए आपको एक वेल लाइफ और वेल लग्जरी लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहे हैं, आने वाले टाइम में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी इसमें जो है वो बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स होंगे उनके लिए डोर स्टेप के ऊपर रहते हुए इजी अप्रोच के साथ आप हर तरह की जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें किंगडम वैली को, किंगडम वैली एक लो बजट हाउसिंग सोसाइटी है। इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया था, इमरान खान के हुकूमत के अंदर रहते हुए यहाँ पर अपार्टमेंट्स का भी जो है वो इफ्तिताह किया हुआ है। किंगडम वैली के अंदर आप 5 मरला और 7 मरला, 10 मरला, 1 किनाल 2 किनाल की जो बुकिंग है आप करवा सकते हैं। मिनिमम जो बुकिंग है आप यहाँ पर 125,000 से करवा सकते हैं। किंगडम वैली के बाद अगर हम डिस्कस करते चलें प्राइम वैली को, प्राइम वैली भी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि मेन चक्री रोड के ऊपर रहते हुए इजी अप्रोचेस, इजी एक्सेसेस के साथ आप यहाँ पर 5 मरला की जो बुकिंग है प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर रहते हुए 125,000 से करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बहुत ही वेल नोन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करें, बजट भी थोड़ा सा हाई हो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट अपनी की है। जिन लोगों ने की हुई है उनको एडवाइस है कि वो भी अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर स्टेबल रखें। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिटी हाउसिंग खाड़िया को, जो कि सराय आलमगीर के अंदर है। सिटी हाउसिंग एक वेल नोन डेवलपर का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अभी आप करंटली जो बुकिंग है आप 4,50,000 से 5 मरला के करा सकते हैं। इसी तरह न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को अगर डिस्कस करें, जो कि जिन लोगों न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ये भी एक वेल नोन डेवलपर का प्रोजेक्ट है। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें इन भी हुई हैं, इसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट भी इन हुए हैं, इसमें कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसी तरह आप यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर ओल्ड या न्यू बुकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को एडवाइस है कि आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान भी एक अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रही हैं या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रही हैं तो आप लोगों को ये मैं 100% रिकमेंड करता हूँ। बिकॉज ये जो सोसाइटीज़ मैंने जितनी भी डिस्कस की हैं इस्लामाबाद के अंदर या चक्री रोड के ऊपर, ये वो सोसाइटीज़ हैं जो कि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कुछ जो है इसमें शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी उनको करंटली अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो आना स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस्लामाबाद एक ऐसा एरिया है, इस्लामाबाद एक ऐसा पाकिस्तान का कैपिटल एरिया है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है लेकिन एक शॉर्ट टर्म बजट के साथ, एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है लेकिन एक आप मिनिमम बजट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को इन कर सकते हैं। वो लोग जो कि डिसीजन नहीं कर पा रहे, वो लोग जो कि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं,
जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज हैं पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए, इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए, उन लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि इस्लामाबाद एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर आप 1-1.25 लाख जो कि कुछ भी पाकिस्तान के अंदर इतनी अमाउंट की वैल्यू नहीं रखती ये अमाउंट, आप इतनी अमाउंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को इन करें, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें इंस्टॉलमेंट के साथ। आने वाले टाइम में जैसे हमारी सिचुएशन पाकिस्तान की बेहतर होती है, आपको इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छा गेन, एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। फॉर फर्दर डिटेल आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर ओवरसीज क्लाइंट ईमो और व्हाट्सएप पर मेरा सेम नंबर अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।